नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आए हैं क्या कहती है कुरान में स्वामी जी से बात करने के लिए, जानने के लिए रहस्यमयी बातें। आज हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करेंगे स्वामी जी के साथ। स्वामी जी नमस्कार। जय हिंद। आपसे बातें करते जा रहे हैं, चर्चाएं करते जा रहे हैं और कुरान के दर पर दरत खुलती जा रही हैं। दर्शकों के सवाल आते हैं, उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है, वो और ज़्यादा जानना चाहते हैं आपसे। तो स्वामी जी, मैं आज जानना चाहूँगा कि इस्लाम में जो त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार तो ईद माना जाता है, फिर मुहर्रम है और भी काफ़ी सारे त्यौहार हैं, तो इनका क्या आधार क्या है? क्योंकि अगर किसी सनातन धर्म वाले व्यक्ति से पूछे कि भी आप दीपावली क्यों मनाते हो, तो बताएगा जी कि हमारे राम अयोध्या वापस आए थे, तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, मिठाइयाँ बांटी थी, इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। तो ईद का क्या आधार माना जाए? देखिए, ईद तो इस्लाम का त्यौहार ही नहीं है, पहली बात। क्या बात कर रहे हैं आप, पूरे 57 देश ईद को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और आप कह रहे हैं इस्लाम का त्यौहार ही नहीं है। इस्लाम आपको बार बार ये बताई जा रही है कि इस प्लेटफॉर्म से इस्लाम को वो बातें पता चलेंगी जो उनको पता ही नहीं। इस्लाम के आपको एक एपिसोड, एक चर्चा में बताया था कि इस्लाम के जो मौलाना है वो भी जब इन बातों की गहराई में जाएंगे तो नींद की दवाइयाँ खा के सोएंगे। इस्लाम का त्यौहार ही नहीं है ईद, पहली बात। बिल्कुल, ईद कोई त्यौहार नहीं है इस्लाम का, ईद है क्रिश्चियनिटी का त्यौहार। क्रिश्चियनिटी का देखिए ऐसे है, इनकी एक सूरह मायदा है, सूरह मायदा 5 नंबर चैप्टर, जी जी, उसमें 114 में ईसा मसीह ईद का जिक्र कहाँ है पहले तो कुरान में? पहले तो ये देखा जाएगा ना, अगर आप इस्लाम वाले तो आप कुरान मानोगे कि नहीं? भाई इस्लाम का कोई भी जवाब कुरान से होगा, कुरान से होगा। बिल्कुल, कुरान एज पर कुरान, यू विल हैव टू ओबे द कुरान। यस, आपको कुरान की हर बात माननी पड़ेगी, आप कुरान वाले हो। तो कुरान में पहले तो ईद का जिक्र कहाँ है? तो आपका मानना यह है कि जो कुरान के जिक्र है, किताब लिखी गई है, कुरान में ईद का कहीं कोई शब्द नहीं, नहीं, ईद का है जिक्र है, वो ईसा मसीह के साथ बता रहे क्रिश्चियनिटी के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, इस्लाम के लिए तो ये तो कुरान भी कह रही है कि तुम छुपाते हो। ये तो बिल्कुल आज एक अलग बात बता रहे हैं, कुरान में अल्लाह कहते हैं कि ये छुपाते हैं मेरी बातें और ये पुराने मौलाओं ने छुपाई। अच्छा, चक्कर क्या है कि अकीदे के ऊपर जो है, किताब के ऊपर अकीदा हावी हो जाता है। जैसे कुरान जो आपको ये बताया जा रहा है कि मौलाना जो कुरान को समझे बैठे हैं वही 360 डिग्री पे बात घूम जाएगी। कुरान है ये कैसी किताब? देखिए, 6 अक्टूबर 2016 की रात को 40-45 सेकंड में एक आदमी अल्लाह से मिलाया, पूरी कायनात बनते हुए देखी, 125 बिलियन लाइट ईयर पूरी यूनिवर्स है और उससे 2.5 गुना बड़े, लगभग 325 बिलियन लाइट ईयर बड़ा एक आदमी है जिसकी मूंछ नहीं है, दाढ़ी है, वही महादेव है, वही शंकर है, वही। तो उससे जब वो व्यक्ति मिला तो उसके दिमाग में सैकड़ों बातें नाजिल की गई, फिर वो वापस लौट कर आया तो उसने कुरान पढ़नी शुरू की, बाइबल, तौरात, जबूर, अंजील, वेद, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब, उन्हें सारे धर्म ग्रंथ फिर निचोड़े, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, जबूर, अंजील, उसके फिर निचोड़ आकर पिन पॉइंट पर खड़ा हुआ कुरान पे। पिछली किताबें भी, बाइबल, गीता, सारी किताबें सत्य हैं। गीता तो खैर मनुष्य के लिए, भगवान के बारे में ये बार बार बताया जा रहा है, भगवान के बारे में जानना है तो आप कुरान पढ़नी पड़ेगी और मनुष्य के बारे में जानना है तो गीता। हम मनुष्य, हमें हमारा जन्म गीता बता देगी, कैसे जीना है, कैसे आचरण करना है, कैसे हमें गीता। मगर अगर आप इंटरेस्ट लेते हो कि भगवान कौन है, भगवान कैसे अपनी सत्ता, जनसत्ता, अपना प्रजातंत्र, अपना प्रजा कैसे चलाते हैं, कैसे वो, तो उसके लिए आपको कुरान पढ़नी पड़ेगी। ये मान लिया जाए कि अगर ईश्वर की बात जाननी है तो सिर्फ कुरान पढ़ सकते हैं, जीवन के बारे में जानना है तो गीता पढ़ सकते हैं। हाँ, हमारे मनुष्य के लिए गीता बहुत है, मनुष्य के लिए। मगर क्योंकि अगर जब अब मनुष्य के लिए गीता, अब मनुष्य को पता चला कि गीता भगवान की रचित है तो मनुष्य भगवान के बारे में जानना चाहेगा, तो जब भगवान के लिए जानना चाहेगा तो कुरान पढ़ ले, कुरान में सब कुछ दे रखा है। देखिए, सनातन धर्म वाले इस बात को कैसे स्वीकार करेंगे, जो प्राचीन धर्म है जिसको कुरान भी मानती है कि इस धरती की सबसे पहले जो मूर्ति पूजा है वो मान्य है। हाँ, तो वो कैसे मानेंगे कि कुरान में ही परमेश्वर की बात है, हमारे किसी वेद पुराण में ऐसा कोई जिक्र नहीं है? देखिए, ये तो बातें, जब ये देखिए बातें तो छुपनी तो है नहीं अल्लाह की। जो मेराज यात्रा एक आदमी करा है, उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना नहीं जाएगा, नेचुरल क्लाइमेटीज बढ़ेंगी, प्राकृतिक आपदाएं पड़ेंगी, बाढ़ें, भूस्खलन, आग लगना, ये वो, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, उल्टा सीधा, सब अगले साल, दो साल में, 6 महीने में धड़ाधड़ हो भी रहा है और धड़ाधड़ होगा भी। तो ये भगवान घुटने टिकवा देंगे मानव जाति से, यहां तक कि, जैसे वो हत्ता की करके कहते हैं लोग, यहां तक कि जब तक विश्व का सर्वोच्च देश अमेरिका, रशिया, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, चाइना, कोई ऐसा समृद्धशाली देश इस घटना को बताएगा कि भाई कोरोना यूं तो नहीं आया हुआ, तो अब आप आ जाइए ईद पे ही दोबारा, तो ईद पे ही, हाँ, ईद पे ही आइए। तो देखिए, एक सूरह मायदा बताया था आपको, चैप्टर 5 है, उसकी आयत नंबर है 114,
उसमें ईसा मसीह कहते हैं कि ए अल्लाह उतार एक आसमान से थाली में हमारे लिए खाने की, ताकि ये दिन ईद का डिक्लेयर हो जाए, ईद का हो जाए। डिक्लेयर तो मैंने बोला, चलो हम बोल रहे हैं, बोला जा रहा है समझाने के लिए, और आने वाली हमारे बाद वाले लोगों के भी ये दिन ईद का बन जाए, त्योहार बन जाए, और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए। तो ये ईसा मसीह ने कही आयत। और अगर कुरान फैक्ट बात की जाए तो कुरान इस्लाम के लिए किताब ही नहीं है, कुरान क्रिश्चियनिटी की किताब है, क्योंकि अल्लाह ने इसको कंपाइल किया तो जबूर की, इंजील की, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, बाइबल, ये सारी किताबें का निचोड़ इसके अंदर डाल दिया। अब कुरान के अंदर भगवान ने ऐसे सिस्टम से इसको लिखा हुआ है कि इसे जब कोई पढ़ेगा तो उसे, इसीलिए कुरान कहती है कि अंत में ईसा मसीह आएंगे, पूरी दुनिया ईसा मसीह पे ईमान ले आएगी। तो देखिए, क्रिश्चियनिटी का तो ईसा मसीह नबी आ गया, और आपको जैसे बताया कि यहूदियों का वो एंड वाला कंप्लीट हो जाएगा डायलॉग की, आखिरी नबी आएगा। इस्लाम की कुरान के अंदर सारा खेल तमाशा मिलेगा, सच्चा सच्चा लिखा हुआ है सत्य धर्म के बारे में, और बंदा आ गया सनातन धर्म का, तो सारे धर्म सच्चे साबित हो गए और सब कुछ। तो देखिए, जब वो कहते हैं ईसा मसीह की तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए, और आने वाले दिनों के लिए ये एक ईद की निशानी हो जाए, ईद बन जाए, तो देखिए फिर इसका मतलब ये किसकी हुई ये किताब, ये ईद किसका त्योहार हुआ, अगर ईसा क्रिश्चियनिटी का हुआ। और फिर कुरान के मौलाना बताते भी नहीं है कि ईद हमारी, ईद का कारण ये अगर बता दे कि ईद इसलिए मनाई जाती है, किसी भी अपनी तनकीद में ईद का नहीं बताते कि ईद कैसे स्टार्ट हुई है। तो ईसा मसीह ने कहा, जो बीच में आपने कहा मुहर्रम, मुहर्रम तो खैर पॉलिटिकल बात है, वो तो यजीदों ने मार दिया था, वो हुसैन और जो मोहम्मद साहब के नवासे ने उसे, वो सब आपस में लड़ मरे, उनके सास बहू पोते बहन भाई सब आपस में लड़ पड़े HOD बनने के लिए, खलीफा बनने के लिए। तो वो तो जब मोहम्मद साहब का ही पता चलेगा संसार को कि प्रॉफिट मोहम्मद एक, वो प्रॉफिट मोहम्मद नहीं थे जिसको वो पूज रहे हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद एक, क्योंकि वो जब मेराज यात्रा हुई तो सबसे पहले जब अल्लाह के सामने वो खड़ा हुआ तो उसको पहले आया कि यह जन्नत है, जबकि वो चुटियाधारी, शिखाधारी, जनेऊधारी ब्राह्मण व्यक्ति प्योर, तो उसके दिमाग में स्वर्ग आना चाहिए, जन्नत आना चाहिए। फिर दूसरा सवाल आया कि प्रॉफिट मोहम्मद ने क्यों धोखा दिया संसार को, जन्नत के दरवाजे बंद हो गए, ये तो तुम कहां घूम रहे हो, ये कौन सी जगह है। तो ये अब वो इतना रिस्क लेकर, रिस्क क्या, वो तो चावल छोले की तरह घूम रहा है रात को 12 बजे 1 बजे कहीं भी, उसे कुत्ता नहीं काटने आ रहा, और वो कितनी कड़ी कड़ी बातें बोल रहा है, मगर बात कर रहा है केवल कुरान और केवल अल्लाह की। तो स्वामी जी एक बात बताइए जी, जब अल्लाह की बात संसार के सामने आएगी जी, जी, तो इनकी तो 57 देश हैं जी, तो इनमें धार्मिक कौन होगा मुखिया, कौन सा देश धार्मिक होगा, धार्मिक मुखिया मतलब इस इस्लाम को लेकर प्रचारक कौन माना जाएगा, तो नो डाउट देखिए पाकिस्तान ही माना जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान कैसे पॉसिबल, देखिए पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान, पाकिस्तान की छवि बहुत खराब है संसार में, और आप कह रहे हैं पाकिस्तान ही धार्मिक मुखिया देश होगा। नहीं, पाकिस्तान इसलिए होगा कि देखिए सऊदी अरब इसका इस्लाम का कस्टोडियन है, आपको बताया ना मक्का मदीना, ये लोग झंडा गाड़े बैठे हैं मगर उन्होंने देखिए कुरान में कुछ बातें ऐसी, 2019 में एक एपिसोड में बताया था उस व्यक्ति ने कि भाई मक्का के इमामों को वो कुछ नहीं मान रहा, ये तो अपने लिमोजिन मर्सिडीज और इनमें अपने मस्त हुए पड़े हैं, कौन सी जगुआर शेगुआर कारें, और ये मतलब मस्ती काट रहे हैं, इन्होंने आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, और अपना पाकिस्तान को इन्होंने सुपारी दे रखी है कि भाई तुम पढ़ो, तुम सारे फंड्स लो हमसे, तुम मदरसे चलाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, उल्टे सीधे काम भी करो मगर कुरान का भी प्रचार करो, कुरान को वर्ल्ड वाइड करो। तो देखिए पाकिस्तान के जो मौलाना हैं वो सब अच्छा, ये बातें लिखी हुई हैं जो उसने कही थी ना कि वो तो अपनी लिमोजिन मर्सिडीज, तो कुरान में एक आयत आ रही है कि फिर वो अपने घोड़ों के गर्दन पे हाथ फेरने लगे, फिर वो अचानक, फिर उन्होंने कहा अरे आफ्ताब में सूरज डूब गया, ये तो पूजा का वक्त था, तो वो घोड़े क्या है, वो कारें ही हैं, और फिर एक धड़ उनके सीट पे डाल दिया, गद्दे पे बेजान धड़ डाल दिया अल्लाह ने, तो वो क्या है कि वो मौलाना ही है सऊदी अरब के, उनके वो सऊदी अरब का एक ज्यादा बड़ा सेक्ट मानता है कि भाई ये कुरान हमारे बस की नहीं है समझनी, ये कुरान कोई आएगा वो हमको समझाएगा, अभी उन्होंने माथा टेक दिया कुरान को, बस इसकी पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं कि ये है, पढ़ना समझना सब उन्होंने कर दिया पाकिस्तान के जिम्मे। अच्छा आप करें पाकिस्तान के, कुरान है अरबी भाषा में लिखी हुई संसार में हर जगह, और यहां है पाकिस्तान के अंदर पंजाबी कल्चर, पंजाबी भाषा बोली जाती है, तो कैसे हो पाएगा ये, तो ए केड़ी वड्डी गल है, ए कोई वड्डी गल नहीं, अल्लाह की पूरी तैयारी है, अल्लाह वो बंदे नू बिल्कुल उस बंदे नू फिट करके बैठे हुए, इतने तो पूरा टाकरा देने नू तैयार है,
ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਣ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲੈਣ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਲੈਣ, ਜਰਮਨ ਬੋਲ ਲੈਣ, ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਗਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਕਦਈਓ ਸਰਗੋਦਾ ਪੇਵਾ ਮਿਆਨੀ ਦੇ ਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛਮਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹਮ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲ ਜੋ ਹੈ ਛੇੜ ਦਿਆ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਉਹ ਆਪਨੇ ਛੇੜ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਤਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਸੇ ਹੋਇਆ ਦੇਖੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਸੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਬ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਥਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਭੀ ਪਾਕ, ਉਹ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੇ ਅਲਗ ਹੁਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। भारत में इस्लाम कहाँ से आया? केरल से। मोहम्मद साहब की जो साहबा टीम आई थी पहले, वो केरल तमिलनाडु साउथ में कहीं पहली मस्जिद बनी थी जी, बिल्कुल। वहां से चढ़ते चढ़ते ऊपर आया, क्योंकि अल्लाह का अपना धर्म था। अल्लाह का फेवरेट तो सनातन धर्म है, मगर अल्लाह ने तो सारे धर्मों को पैरल लेकर चलना है। तो ये चलते चलते जब ऊपर फैलता चला गया तो ये सारे हिंदू थे। ये तो पाकिस्तान की जितने भी पाकिस्तान के मुसलमान है वो तो बेस हिंदू थे। वो तो मानते हैं कि हम पहले हिंदू थे, मगर क्योंकि भगवान ने अल्लाह ने प्रचार करवाना था अपने। देखिए आज आप स्विट्जरलैंड में कहीं चले जाइए जी, 10 आदमियों से आप पूछिए डू यू नो शंकर, डू यू नो राम, तो 10 में से कोई एक आदमी कहेगा यस आई नो इट्स गॉड ऑफ इंडिया। अच्छा, अब आप उनसे मतलब हिंदी में पूछा जाएगी, आप स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, हॉलैंड, जर्मनी, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया कहीं चले जाइए, आप कहिए शंकर कौन था, 10 आदमी से पूछिए राम कौन था, तो कोई एक बा मुश्किल कहेगा जी ये भारत का भगवान है। मगर आप वहीं कहिए बाई चांस इन्हीं स्विट्जरलैंड, अमेरिका, लंडन, अमेरिका, जर्मनी कहीं आप पूछ लीजिए कि डू यू नो अल्लाह, तो वो आगे तो 10 खड़े हैं, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, पीछे के 1000 और बोलेंगे, पीछे के उसके 1000 और बोलेंगे यस अल्लाह वेरी बैड मैन, अल्लाह वेरी क्रूअल पर्सन, अल्लाह वेरी, तो अल्लाह बदनाम में भी नाम हो गया। अल्लाह 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 पूरी 7 अरब आबादी को पता है अल्लाह एक चीज है, मगर क्यों? क्योंकि उसको बदनाम किसने किया? इस्लाम वालों ने, अल्लाह को मानने वालों ने, अल्लाह को मानने वालों ने अल्लाह को बदनाम कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि कुरान उल्टी पढ़ ली। कुरान उल्टी इसलिए पढ़ दी क्योंकि कुरान कहती है कि तुमने, तुम्हारे बाप दादाओं ने जो गलती की वही तुम लपेटते जा रहे हो। अब उसके बाद अल्लाह ने एक सनातन धर्मी ब्राह्मण को मिराज यात्रा कराई, उसको सब कुछ, और उसकी बातों को सर्टिफाइड करने के लिए कोरोना भेजा। कोरोना नचाता रहेगा तब तक जब तक कि इस मैसेज को, संसार को अल्लाह का मैसेज नहीं सामने आएगा। तो अब आप आ जाइए कि पाकिस्तान को क्यों क्रेडिट मिलेगा, कि पाकिस्तान के मौलाना इसको जितनी समझे बैठे हैं कुरान को, उतना धरती पर और कोई नहीं समझे बैठा। अब देखिए मजेदार बात क्या होगी, मजेदार बात यह होगी कि जब यह व्यक्ति 6/10/16 वाला व्यक्ति, 6/10/16 की रात, थर्सडे जुम्मा रात को जो मेराज यात्रा होकर आया, अल्लाह से आमने सामने मिलकर आया जी जी जी, जब इस व्यक्ति की बातें संसार में सामने आएंगी और पाकिस्तान में जब यह बातें पहुंचेंगी, तो पाकिस्तान के मौलाना जितने हैं जो कुरान को पूरा उल्टा समझे बैठे हैं, तो उस व्यक्ति से ज्यादा वो कुरान को सीधा समझ जाएंगे, क्योंकि उनके जहन में उतरी हुई है कुरान। जैसे आप अपने बच्चों बीबी के बारे में जानते हैं, तो आपको पता है, बस आपको अपने बीबी बच्चों का ये नहीं पता कि वो अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, जैसे स्टेज पे पंजाबी बोल के दिखा दी गई, तो आपको ये नहीं पता। आप अमेरिका, लंदन में कहीं नौकरी करते थे, दुबई में, आप 20 साल कमा कर आए, आप आए बच्चों से हिंदी में बात कर रहे हैं, ये वो, अचानक पड़ोसी एक आया आपके बच्चे से बोला ए हाउ आर यू पवन, व्हाई डिड यू केम यस्टरडे नाइट, और वो भी उसी भाषा में इंग्लिश बोले, तो आप तो हक्के बक्के रह जाओगे। आप कहोगे मेरे ही बच्चों का मुझे नहीं पता अंग्रेजी बोलती है मेरी बीबी बच्चे। तो बस ये जो अंग्रेजी कुरान की अब सामने आएगी जब मौलानाओं के पाकिस्तान के, तो वो तो फिर जिस मेराज यात्रा करके आया व्यक्ति जितना कुरान समझा उसको उससे ज्यादा वो उसी घंटे समझा देंगे, क्यों? उनको तो फट से समझ आ जाएगी कुरान के, अच्छा ये मीनिंग्स हैं कुरान के, अच्छा ये मतलब बने इन आयतों के, तो वो तो बाप बन जाएंगे उसके एक घंटे में ही। तो देखिए इसका क्रेडिट सारा पाकिस्तान को ही मिलेगा, और वो पाकिस्तान वो जो है हिंदू ही है, वो भारत का ही हिस्सा है, भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। तो ये आप ये समझ लीजिए। चीज और बताइए आप, आज 90% देश जी पश्चिम सभ्यता वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, और वो अपनाना भी चाहते हैं जी, जबकि वो गले ही नहीं तोड़ती, नग्नता, क्लब्स कल्चर, बार, पति पत्नी भी कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपना अलग अलग पेमेंट करते हैं, रेस्पेक्ट नाम की चीज नहीं, एक बच्चा भी वहां अपने दादा का नाम मिस्टर जॉन ये वो करके हाय हेलो करके बात करता है, जैसे हमारे यहाँ आप करके आदरणीय पूछनीय करते हैं, तो इस बारे में क्या कहती है कुरान?
देखिए वेस्टर्न कल्चर पीस तो बहुत रखता है अपने आप में, शांति बहुत रखता है, पीस मानवता करेंगे। हाँ नहीं वो, नहीं पहले तो देखिए कुरान की पहले एक आपको आयत फट से बता दें, सूरह 5:51 नंबर एक आयत है कि ये ईमान वालों तुम यहूदियों को और ईसाइयों नसारा ईसाइयों को यहूदियों को दोस्त ना बनाओ क्योंकि वो आपस में दोस्त है और तुम उनके दोस्त बन गए तो तुम भी उन जैसे हो जाओगे। तो ये तो कुरान की मैंने आयत यहाँ बता दी गई झट से, इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर आप सुनिए। वेस्टर्न वाले जो हैं जितनी बातें आपने बताई इससे हजार गुना ज्यादा, बाइबल कहती है कि एक बीबी को तलाक नहीं देनी, एक बीबी के साथ रहना है, ठीक है। तो ये 25 के बाद भी नहीं ढूंढ रहे होते हैं, बड़े बड़े जितने भी इनके 30 मार खां हैं जैसे जो भी हैं अरबपति खरबपति सब बीबियों को करोड़ों अरबों दे के तलाक करते हैं फिर नहीं लेकर देते हैं। चार हमारे लिए जायज है? नहीं वेस्टर्न वाले चार नहीं मानते, वेस्टर्न वाले तो 40, वो तो 40, वो तो 40, 100, 400, वो तो वो एकदम एक दिन शादी एक दिन तलाक, और पति पत्नी जो अपना अपना बच्चा जो दादा पोता दादा को कहता है जॉन हे लुइस, तो वो बातें सही है। देखिए पीस और रिस्पेक्ट आपस में देनी तो वो तो उसको मालूम है। अच्छा देखिए यहाँ बड़ी मजेदार बात सामने आएगी, अल्लाह जो है अल्लाह बार बार कहते हैं मुझे हाजत ही नहीं किसी की इबादत की, किसी की इबादत की हाजत ही नहीं, जरूरत नहीं। हाँ देखिए वेस्टर्न कंट्री वाले जो हैं जो बहके हुए हैं पूरा, मगर वो क्या है कि मानवता के प्रति मददगार हैं, मानवता यहाँ शातिर बड़े हैं, जैसे यूएस ने देख लिया कि भाई अफगानिस्तान में हम 20 साल रहे ज्यादा ज्यादा हम 2,00,000 लोग ही मरे, मतलब 1,00,000 आदमी 10 साल में एवरेज इतने मरे, तो उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया कि छोड़ो इन्हें छोड़ के निकल लो, ये आपस में तो खूब मरेंगे मरेंगे फिर ये उसके बाद ये औरों को मारेंगे फिर ये सब आपस में भिड़ जाएंगे, 2-4-6 साल में हम तो मार पाए 20 साल में 2,00,000 और ये आधे खत्म हो लेंगे 10 साल में, ये वो खुरासान उससे लड़ रहा है, ISI उससे लड़ रहा है, तालिबान उससे, हक्कानी उससे, वो सारे एक दूसरे को अब सऊदी अरब से उन्होंने रणनीति है सारी, मतलब वो वेस्टर्न तेज तो बहुत है, दिमाग तो है उनका, उन्हें पता है अब उन्होंने सऊदी अरब से अपनी मिसाइलें विड्रॉ कर ली जो पैट्रियट बैटरी मिसाइलें लगा रखी थी वहां पर, सऊदी पे भी हुती ग्रुप कोई है वो विद्रोही वो, तो ये इन्होंने अब ये प्लानिंग बना ली है कि इन सबके ऊपर से अपना हाथ हटा लो, इतना ये अपने आप ज्यादा मरेंगे, हम इनको कितना मार पाएंगे, हम तो जितना मारेंगे तो ये छोड़िए वो तो खैर पॉलिटिकल किस्से हो सकता है गलत भी हो। बाकी देखिए जहां तक बात आ गई वेस्टर्न कल्चर की कुरान में देखिए जो आपको बताया कि ए ईमान वालों तुम यहूदी ईसाई निसारा को दोस्त ना बनाओ, वो आपस में दोस्त है, तो देखिए कुरान स्पष्ट निर्देश दे रही है वरना तुम भी इन जैसे हो जाओगे, तो ये तो कल्चर को अवॉइड करवा ही रहे हैं अल्लाह वेस्टर्न कंट्रीज एशियन कंट्रीज को मना कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया जिनका कल्चर बचा हुआ है कि भाई तुम इनके जैसे ना हो जाना, ये तो इनका कल्चर तो खराब है ही, तो कुरान साफ साफ मना कर रही है कि तुम इनसे दोस्ती ना करो वरना तुम इनके जैसे हो जाओगे। तो अब दोस्ती एक अलग मैटर है, फाइनेंशियल लेन देन एक अलग मैटर है, अब फाइनेंशियल लेन देन तो अलग चीज़ है, आप व्यापार कर रहे हैं ये कर रहे हैं, मगर उनका कल्चर नहीं अपनाना, उनका कल्चर जो है वो गलत है। और देखिए वो जो बात बताई जा रही है कि उनको अल्लाह ने अमीर भी कर रखा है, अमीर इसीलिए कर रखा है कि अल्लाह कहता है जैसे बुद्ध के लिए बताया कि बुद्ध की बेस लाइन ही है ईश्वर कुछ नहीं है, मगर बुद्ध के भी 10-20 कंट्री हैं, जापान की हाइएस्ट टेक्नोलॉजी है, चाइना हाइएस्ट वर्ल्ड का सूरमा बना हुआ है, तो वो अल्लाह ने अपनी जो 113 आयतों की शुरुआत में लिखते हैं कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत दयालु, अपनी उस बात को सर्टिफाइड करने के लिए केवल बुद्ध जो ईश्वर को ही नहीं मानता उसे भी एक दर्जा दे दिया संसार में, समझिए। तो आप अल्लाह बड़े मेहरबान हैं, उन्होंने इसीलिए क्रिश्चियनिटी को तो धन सुविधा सुख तो सब दे रखा है क्योंकि मानवता के प्रति मदद करते हैं, मगर चालबाजियां वो अलग बात है, जैसे फूट डालो शासन करो उनकी नीति यही है वो है, मगर यहां पर जो है वेस्टर्न कल्चर के लिए कुरान साफ मना कर रही है कि वेस्टर्न कल्चर सही नहीं है, बाइबल साफ मना कर रही है। आज जो इस्लाम अपना कल्चर लेके चल रहा है, पहनावा लेके चल रहा है, उसका समर्थन करती है? नहीं वो सब तो गलत है, वो तो साफ साफ लिखा हुआ है इनकी सूरह में कि जो हिजाब करें चुन्नी लें ये करें पायल छनकाती ना चलें और ऐसे करके एक आयत है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये नबी की बीबियों के लिए साधारण औरतों के लिए नहीं है, मगर इस्लाम को पता ही नहीं चल रहा, मल्टीपल शादियों के लिए नबी के लिए लिखा हुआ उसी में साफ साफ लिखा हुआ है साधारण ईमान वालों के लिए नहीं है, तो ना तो मल्टीपल शादियां वो उसके लिए एक वैसे भी बताया सूरा, अगर दिशा निर्देश है तो वो नबी के लिए थे, नबी के वो हिजाब वो नबी के लिए साधारण औरतों के लिए साफ लिखा हुआ है साधारण ईमान वाली औरतों के लिए नहीं है, वो बने भी वो छने भी वो सवरे भी वो अपने जलवे भी दिखाएं और उसमें एक कुरान
में एक आयत आ रही है कि जिनका बनाव श्रृंगार ही, जिनका बचपन और बड़े जो हुई बनाव श्रृंगार में, वो धर्म के बारे में कोई बात भी नहीं कर पाती। इसका मतलब अल्लाह कह रहे हैं बनाव श्रृंगार वैलिड है औरतों के लिए, तो वो आयत में तो साफ लिखा हुआ साधारण औरतों के लिए नहीं है। तो इसका मतलब आम इस्लाम वाली औरतें जो हिजाब ले रही हैं, पर्दा कर रही हैं, वो सब गलत है, वो है ही नहीं कुरान के अंदर। उसका स्पेसिफिकली मेंशनड है नॉट फॉर जनरल लेडीज हिजाब और वो सब जो बार्फ लगा रखे हैं मल्टीपल शादियों के ऊपर, जो आपको ये भी अलाउ है वो भी अलाउ है, मगर वहां पर लिखा हुआ है साधारण ईमान वालों के लिए नहीं, मतलब उनको बांध रखा है अल्लाह ने। स्वामी जी आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा आपके जहन में कोई सवाल आता है, पूछना चाहते हैं स्वामी जी से, तो आप हमें भेज सकते हैं। इस नीचे वीडियो पर एक नंबर चल रहा है, वो आप नोट करें और अपने सवाल भेजें। धन्यवाद।